अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। सेट करने से पहले कुछ भी नहीं, बस ब्लॉग देख लीजिएगा। मेरे साथ कुछ भी नहीं है कहने के लिए कि मैंने ब्लॉग कर नहीं रहा था क्योंकि पता नहीं मैं कहाँ थी, पता नहीं मैं कहाँ थी। वो सिर्फ दो दिन से बुखार है उसके, मेरे पास रीज़न है सॉलिड मुझे बुखार, इसकी वजह से मुझसे सही से ब्लॉग नहीं बन रहा। और आज बड़ी मेहनत मुशक्क़त करने के बाद तीसरे दिन सलाम करके आप लोग को ब्लॉग आज देखने को मिलेगा। बाकी ब्लॉग देखें, एंजॉय करें। अभी जो हम लोग आए हीरा वालों के घर पे, नैना ने बेबी को देना है हीरा के घर पे, क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। हम लोग इसको ना चार तक जो है तीन स्केच बचाने, तीन तक जो है दो डालने, बस तुम चार तक तीन डालना। अभी आधे घंटे में तो भूख लग जाएगी और चीनी आधा चम्मच डालना। और अगर ज्यादा रहा तो कुछ नहीं डालना और कुछ नहीं करना। अचानक से ना यहाँ से निकल कहते जाओ भाई, मेरा ना हमारे जान में कहते उधर का वही निकल गया था मेरा। वैसे लोन आ चुकी है यहाँ पर, जो मैंने सब चीज़ें जो निकाली है, तो बहुत बड़ी बस फिट है ना, बस वो चीज़ निकाली जिसको मुझे नीड थी। अब बस क्लाइंट आएंगे, उसके लैशेस करूँगी, देन बस मैं वेट कर रही हूँ घर जाने का। और तो अभी आई हूँ फिर घर जाना क्योंकि बेबी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है ठीक है, क्योंकि बेबी घर पर है आज, हीरा के पास है। बताने कैसा एक्सपीरियंस रहेगा हीरा का, आई डोंट नो। टाइम फर्स्ट टाइम उसको संभालने वाली है, लेट्स सी। आपको पता है मैं 3 साल से लैशेस कर रही हूँ, ये काम जो है ये बहुत बहुत मतलब नज़र वाला है। एक आदमी लैश जो है आंख के अंदर की या ग्लू अंदर चले गई तो आपके ऊपर जो है केस हो सकता है। काफी देखकर काफी समझ कर जो है आपको ये लैशेस करनी होती है। तो खैर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि 3 साल से लैशेस कर मेरी जो है ना खुद की आई साइड जो है ना वो बहुत वीक हो गई है। इतना नज़र लगा के काम करना पड़ता है, इतना नज़र लगा के काम करना पड़ता है, एक एक बाल लेना फिर उसको लगाना और बाल के बिल्कुल ऊपर लगाना। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे काम करके अच्छा भी बहुत लगता है। सो फाइनली लैशेज मैंने कर ली है, मैं जा रही हूँ घर और बहुत थक गई। इसके बाद जाना मैंने फ्रेंड के पास उधर करने हैं मैंने लैशेज, फिर मैं जाकर रिफिल करना उसका, फिर मैं घर जाऊँगी। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का कितना प्यारी जगह है। और ये यहाँ की जगह, यहाँ पर मतलब ये कैफ़े एरिया है, मतलब यहाँ पर आप लोग बैठ के कॉफ़ी पी सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी। इतनी मुझे प्यार लगता है यहाँ के फ्रेंडों को, जितना मतलब जो फेस शेट वाला भी है ना वो भी बहुत खूबसूरत है। और ये मुझे पर्सनली तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बहुत खूबसूरत है नो डाउट। मैंने शाहरुख को आधे घंटे से बोल दिया कि आगे मुझे दे जाओ, और वो कब से अभी मुझे मैसेज आया कि अभी आया मैसेज कि वो घर से निकल है क्योंकि पेट्रोल खत्म होते वापस चला गया। वो मुझे कसम से रोना आ रहा है, मैं 2.5 घंटे से यहाँ पर हूँ, मेरा बेटा घर पर अकेला, मुझे फिर काम पर जाना है और मैं उसको उठा भी नहीं सकती। लैश रिफिल कर ली है, शाहरुख आ गया है, बस अभी जान लगे हैं। ये हम लोगों ने नाम लिया है इसके अब्बू का, हम लोगों ने कहा कि ये बच्चा जो है अमरनाथ वगैरह बोलते हैं कि दादा की शक्ल है, तो ये इमोशनल हो गए, इतना प्यार करते हैं हम लोग इनको, चुप करा के डर जाते हैं। वो भी इनसे बहुत प्यार करते थे, ये भी देखिए इसकी आंखों में आंसू, ये इसलिए चिड़चिड़ा रहता है ये बाप के बाद, तो अभी ये देखे रो रहा है। मेरे दिल को भी कुछ हो जाता फिर मैं क्या करूँ, मैं चुप कराती हूँ। ये अंदर इसके ना जैसे दुख और तकलीफ हो ना। मैं खाने लगी हुई ये भिंडी, भिंडी बहुत मज़े की बनी हुई है। वेरी मच टायर्ड, मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रहा कि मैं कुछ करूँ। मतलब नीराज कितना प्यारा लग रहा है कितना प्यारा लग रहा है ना ये। टायर हम सब जा रहे हैं गोला गंदा खाने के। मैंने ये वाले निकाले हैं और ये शाहरुख अजमल की शर्ट, इसमें वैसे ये बाबर की है, मैंने वो आयरन कर दी, हम लोग जल्दी निकल रहे थे इसलिए। छोड़ो मैं खुद करूँगी, तो फिटर कैसे रखा हुआ तुम पागल हो गया खुशी से। क्या हुआ? तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग सब यहाँ पर बैठ चुके हैं, और ये वाला था नैना, ये अच्छा हमारे बच्चों को लेके बैठे हुए हैं, हम दोनों बच्चों वाले बच्चों को ही लेके बैठे हैं। लाइफ अपन जो है ना सब बच्चों की माँ है, इसलिए सबको उठाएगी। नमक आया है खोला कर, सॉरी दिल पर नमक आया, मुझे बाबा की इतनी याद आ रही है, इतने बच्चे गए ना मतलब अकेला अकेला फिर होते हैं हम भी साथ, तो हम लोग बहुत इन्जॉय करते। अब चला गया तो बहुत ज़्यादा मुझे।
यहाँ पर जो है भाई फातिया के गोले गंडे आ चुके हैं। फर्स्ट दिलबर यहाँ पर चेक कर, अब नैना चेक करेगी, उसके बाद मैं चेक करूँगा। मेड़ कितने और पानी होगा तेरे को, हमें कभी कुछ खाने था मुझे गिरा देता। अपने आई पास के ऊपर कुछ ब्लैक लगाया, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं लगाया। ये देखिए कुछ भी नहीं लगाया, इतने डार्क पता नहीं क्यों लग रहे हैं। पानी और आ गया, मजे के मंगवाऊं गोल गप्पा। गोल गप्पा खा रहे क्या हुआ? अच्छे नहीं है, पहले तो अच्छा मुंह बनाया, वो यूं यूं कर रही थी। अभी तो गंदा लग रहा है। मंगवाया था फलूदा और मेरा मजेदार सा फलूदा आ चुका, मैं खा के देती। कैसा है? बहुत अच्छा। हेलो, इसकी शाहरुख फर्स्ट आउटिंग है ना, आज तक वही नहीं कहना है बेचारा, हॉस्पिटल गया आजकल। हाँ, आज तक हॉस्पिटल ही गया था कि बाहर घूमने है, फर्स्ट इसकी आउटिंग हुई, इतना खुश है बेचारा। ये इतनी उम्र के बाद भी इनकी शादी, अल्हम्दुलिल्लाह। चल इनको गजरे पहना जा रहा, मेरा शोहर तो मुझे कभी भी गजरे ना लेके दे। चलो अभी दिला के तो पहना भी दो बेचारी को, चलो पहनाओ। अरे पहना था, चलो अपने सुंदरी हाथ आगे करो, अपने सुंदरी हाथ आगे करो, ऐसे खोलो नहीं ऐसे पहना। अच्छा वो देखो उसको पहना गरीब को। ला 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 ला। हम लोग ले रहे हैं यहाँ से पिज्जा फ्राइज, यहाँ के पिज्जा फ्राइज दोरा जी के, यू नो गाइस के बहुत ज्यादा यम्मी होते हैं। शाहरुख खान वाला पे गर्मी में खड़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह चिकी है हमारे घर में, खैर तो ये बहुत मजे का भी हम लोग ले रहे हैं। दो फराज वालों ने ऑर्डर किए हैं और क्या हमारा पार्सल कराते हैं। महम महम की मामा आई थी लैशेज लगवाने, महम बहुत प्यारी है माशाल्लाह। महम आप लोग देखती हो, आपको अच्छे लगते हैं? आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। लोगों के इतने सवाल, हर एक पर एक दिन बैठ कर वीडियो बनाना, मैं एक दिन बैठ कर आपके सब सवालों का जवाब दूंगी। अच्छा, मुझे कभी कभी ये लगता है कि आप लोग की गलती भी नहीं, कि मैं बात शायद ऐसे करती हूँ कि आप लोग कंफ्यूज रहते हो, ये किसने बोला क्या है, तो इससे मेरी भी गलती है शायद। इसके वजह से मैं कल बैठ कर जो आप लोग सवाल करते हो उसको एक एक करके उसका सबका जवाब दे दूंगी। कि आज मैं पक्का बैठूंगी और उसके बाद पूरे जो आप लोगों ने सवाल किया उन सब सवालों का आप लोग कल जवाब दूंगी। ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, कभी किसी को इसी समझ हो रहा है, इसमें मसला हो रहा है, तो मैं सारे मसले एक साथ खत्म कर दूंगी ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। दो घंटे से पहले मुझे बताया गया पतली आप लोगों को लग रही हूँ कि नहीं, मुझे रोज मैं कुछ भी खाती हूँ मुझे लगता है मोटी हो जाऊंगी, एक सेकंड में मोटी हो जाऊंगी। मैं खाती तो हर एक चीज़ हूँ, मतलब नाश्ता करती हूँ, रात को खाना खाती हूँ, दोपहर का खाना मैंने स्किप किया हुआ है, बस ये कि मुझे मैं कहती मैं मोटी अब ज़्यादा ना हूँ, क्योंकि सब मुझे जब कहते ना कि तुम जैसे बेबी के बाद सब मोटे हो जाते, तुम नहीं हुई, तो मुझे इतना अच्छा लगता है सुन के। और पहले मुझे सब मोटी बुला रहे थे, तब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, तो खैर इसीलिए मुझे अब पतला रहना है। मुझे बताइएगा और मिलती हूँ कल आप लोग को एक नए और अच्छे व्लॉग साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।